भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या पर राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में मनीष की मौत दुखद घटना है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। फिरहाद ने कहा कि मनीष तृणमूल में वापस आने की सोच रहा था, ऐसा मैंने सुना था। लोकसभा चुनाव के वक्त वह तृणमूल में ही था, मगर बाहरी गुंडों को लेकर जबरन उसे भाजपा में शामिल कराया गया। मनीष की हत्या की घटना को लेकर फिरहाद ने कई सवाल खड़े किए। एर आगे शार्प शूटर के नहीं आछे, गुली कोथा दिए चले छे, ए जे बाहरे थेके क्रिमिनल निये आसा, एटा तो एनेछे ए कल्चरटा अर्जुन, एर पेछने के आछे, तदंत होक, सब सामने एसे जाबे। एवं मनीषेर मतन एकजन छेले मारा गेल, एटा अत्यंत दुःखेर। आमी निजे ओर भगवानेर काछे ओर आत्मार शांति प्रार्थना करी, एवं प्रकृत जारा दोषी तादेर सबार सामने निये एसे विचारे विचारकेर सामने निये एसे ताके प्रमाण पुलिशके करते हबे, एवं आमी निश्चित जे पुलिश सेटा करबे। हठात अर्जुनेर मतन एकजन बड़ो नेता जार सीआरपीएफ घिरे थाके, से हठात কলকাতায় চলে এলো কেন? তো ওর সাথে সিআরপিএফ ছিল। মনীষকে সিআরপিএফ দেওয়া হলো না কেন? অনেক তো যারা নন ইলেকটেড নেতা, ছোটোখাটো নেতা যারা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে তাদের পেছনে সিআরপিএফ থাকে, তো মনীষের পেছনে সিআরপিএফ ছিল না কেন? তার যে সিকিউরিটি ছিল সেই সিকিউরিটি সেই সময় কেন সরে গেল? সেই সময় এমনকি কৈলাসজির ফোন এলো যে অর্জুনকে কলকাতায় চলে আসতে হলো। অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা ভাবছি যে কী হয়।